तो चलिए आज बनाते हैं परफेक्ट क्रिस्पी खाकरा, वो भी घर पे। तो क्या आपके खाकरे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, क्रिस्पी नहीं बनते? तो इन सब के जवाब के लिए ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो हम खाकरे के लिए आटा लगाएंगे, इसके लिए हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, तेल डालेंगे, 2 कप लिया है मैंने आटा, तो 2 टेबलस्पून 1 कप के हिसाब से हम डालेंगे। तो 2 कप के हिसाब से 4 टेबलस्पून मैंने इसमें तेल डाला है, आप घी का भी उपयोग कर सकते हो यहाँ पर। अब इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे मोयन को, और इसके बाद में इसमें पानी डालेंगे। पानी यहाँ पर सख्त आटा गूंदना है हमें, और तभी जो हमारे खाकरे हैं वो क्रिस्पी बनेंगे। तो धीरे धीरे करके हम पानी डालेंगे, और थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है पानी को, और हम एक सख्त आटा गूंद लेंगे, अच्छे तरीके से पानी को मिला लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर 2 कप के हिसाब से मुझे 10 टेबलस्पून पानी लगा है, यानी कि 1/2 कप से थोड़ा सा ऊपर पानी लगा है। अब इसको भीगने के लिए छोड़ देंगे 15-20 मिनट के बाद, हम इसे चेक करेंगे। 15-20 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे फिर से गूंद लेंगे ताकि ये एकदम स्मूथ डो बन जाए। ये देखिए कितना सख्त बनाए है हमारा आटा, इसी तरीके का चाहिए, वरना हमारे जो खाकरे हैं वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। एक लोई बना देंगे, अब हमें खाकरा एकदम पतला बेलना है, ट्रांसपेरेंट बेलना है, तो ही हमारा खाकरा क्रिस्पी बनेगा। तो आपको जितना बड़ा खाकरा चाहिए उतना बड़ा आप लीजिएगा लोया। तो जो नॉर्मल खाकरे की साइज़ होती है, जो रेडीमेड हम लाते हैं, वो बड़ी ही होती है। तो आपको छोटे पसंद है या हल्के से मोटे पसंद है, तो आप अपने हिसाब से बेलिएगा। तो थोड़ा सा आटा लगा के हम एक पतली रोटी बेल लेंगे, किनारे अच्छे से पतले करने, हमें मोटे मोटे नहीं रखने हैं। तो आपको चाहिए उतना आटा आप लगा सकते हो। तो ये देखिए रोटी कितना गोल गोल घूम रही है, तो ये आटा सख्त गूंदा है इसलिए चकले को चिपक नहीं रही है, और इसी तरीके का आटा हमें चाहिए। तो इस तरीके से गोल गोल रोटी घुमाते हुए हम एकदम पतली ट्रांसपेरेंट रोटी बेल लेंगे। तो रोटी बनाने के बाद हम तवे को प्रीहीट कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे, मीडियम टू लो, एक तरफ से सेक लेंगे फिर दूसरी तरफ से सेक लेंगे। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा फुलाना नहीं है खाकरे को, जितना आप कम फुलाओगे उतना बढ़िया आपका खाकरा बनेगा। तो इस तरीके से हम प्रेशर डाल के खाकरे को दबाएंगे, इससे हमारा खाकरा क्रिस्पी बनेगा। तो ये कपड़े का आप यूज़ कर सकते हो, या फिर रोटी का यूज़ कर सकते हो, स्टैक ऑफ रोटी का, या फिर आप इस तरीके का प्रेशर का यूज़ कर सकते हो। तो जहाँ पर मैंने देखा था खाकरे बनते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, तो वहाँ पर इसी तरीके का बड़ा वाला होता है, तो जस्ट वो खाकरे पे रख देते हैं और थोड़ा सा हिला देते हैं तो खाकरा सिक जाता है तुरंत। तो ये तो सबके घर पे होता है, तो इस तरीके से आप डायरेक्टली तवे पे सेक सकते हो। तो अगर आप पाओगे तो वहाँ पर उस तरीके का डिज़ाइन बनेगा, तो आपको चाहिए तो आप उपा सकते हो, और नहीं चाहिए तो तुरंत आपको दबाना है प्रेशर देके, और हमारा खाकरा अच्छे तरीके से सिक जाएगा। तो ये सिक गया है, अब आप इसे ठंडा होने दीजिएगा। ये देखिए कितना ट्रांसपेरेंट बना है और कितना बढ़िया बना है। तो अब मैं आपको जो रोटी बना के रखते हैं, ये तो हमने डायरेक्टली तवे पे सेक लिया है उसी समय पे,
तभी भी हो जाएगा। और आप अगर गैस बचाना चाहते हो या आप अकेले बना रहे हो तो आप इस तरीके से बना सकते हो। तो पहले हम एक रोटी बना लेंगे खपरे की। अब हम इस तरीके से इसको खपरे पे बिछा के रख सकते हैं रोटी को, या एक के ऊपर एक स्टैक करके रख सकते हैं इस तरीके से, टू बी ऑन द सेफर साइड। आप थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क सकते हो ताकि ये चिपके ना। और तीसरा मेथड है, हमें कच्ची पक्की रोटी को सेकना है और फिर स्टैक करना है और फिर हम उसे सेकते हैं। तो ये डाल दिया और इसके बाद में हम इसे पलट देंगे। आप जितना कम हो पाओगे उतना कम डिज़ाइन बनेगा और जितना ज़्यादा हो पाओगे उतना ज़्यादा डिज़ाइन बनेगा। जो डिज़ाइन की बात कर रही हूँ वो मैं आगे दिखाऊंगी कि किस तरीके से होती है। तो ये तो मैंने हल्का सा मीडियम ही रखा है खाकरे को। तो बहुत लोग एकदम पतला खाकरा बनाते हैं तो वो भी बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो इस पर घी चौपड़ के आप इस तरीके से इसे रख सकते हो। घी लगाना ज़रूरी है वरना जो खाकरे की रोटी है वो सुरक्षित हो जाएगी। अब तवे पे हमने जो रोटियां बनाई हैं घी लगा के अच्छी, तो इस तरीके से आप सेक सकते हो। कुछ सेकंड्स लगेंगे सेकने में। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें करना है और अगर ज़्यादा गर्म हो जाए तो गैस भी बंद कीजिएगा आप। तो ये हमने खाकरा रख दिया है, रोटी मेकर भी आप यूज़ कर सकती हो, ये खाकरा मेकर है। तो दोनों तरफ से आप सेकिएगा और एकदम लाइट कलर ही होता है। अगर आपको ज़्यादा डार्क चाहिए तो आप ज़्यादा डार्क भी कर सकते हो। तो खाकरा मेकर क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो बीच बीच में आप बंद चालू स्विच को कीजिएगा तो आपके खाकरे प्रॉपर शेड में आ जाएंगे। तो थोड़ी थोड़ी देर में आप चेक करते रहिएगा कि खाकरे का शेड क्या है। तो ये देखिए हो क्या है, अब थोड़ा इधर से बाकी है तो इधर से मैं प्रेस कर दूंगी और कितना ट्रांसपेरेंट है वो भी आप देखिएगा। तो ये बन गया है हमारा खाकरा। कहीं से आपको लगे कि कच्चा है तो इस तरीके से प्रेस कर दीजिएगा। तो ये हमारा परफेक्ट खाकरा बन के रेडी हो गया है। और ये जो डिज़ाइन आई है जहाँ जहाँ से ये ऊपर हुआ था वहाँ पर, तो ये कच्ची रोटी को सेका है, ये पक्की रोटी है जो हमने कच्ची पक्की सेकी थी। तो यहाँ पर हम वही कच्ची पक्की रोटी रख देंगे और सेम उसी तरीके से हम इसे डायरेक्टली कर लेंगे। तो अगर आपको बगैर घी के चाहिए तो आप कच्ची रोटी के साथ सेकिएगा। अगर आपको घी चलता है उससे और ज़्यादा टेस्ट और है तो इस तरीके से करिएगा। तो ये दोनों ये मैंने तवे पे सेके हैं और वो वाले खाकरा मशीन में सेके हैं। तो ये रखने के बाद आप इसे एयरटाइट जार में स्टोर करके रखिएगा। तो ये देखिए कितने बढ़िया बने हैं हमारे खाकरे। तो मसाले वाले खाकरे भी आते हैं तो वो भी आप तरीके से बना सकते हो। तो ये देखिए इस तरीके का रेसिपी बना है, ये मैंने तवे पे सेका है और ये मैंने खाकरे मशीन में सेका है। तो ये डिज़ाइन आप देख सकते हो, यहाँ जहाँ ऊपर है वहाँ पर इस तरीके की डिज़ाइन आई है। मैं इस डिज़ाइन के बारे में आपको बता रही थी। तो अब फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन वाले खाकरे भी आने लग गए हैं। तो आप ये भी बनाना ट्राई कर सकते हो, हम इसी तरीके से बनाते हैं। तो आप भी जाएं ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपीज। ग्रिनिया घर पे से खाकरे का बिजनेस भी कर सकती है। तो
इंजॉय कीजिए, ये मशीन वाले खाते भी होते हैं, आप इसे भी इंजॉय करेंगे खाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक सैटरडे को, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड बाय बाय।